किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 17 सितंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेबसाइट पर भी आप हमारे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। अब 15 सितंबर को हम भारत में क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस। और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो ये जो है कंटिन्यूटी में है, इसको याद रखिए। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। 15 सितंबर को पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष मनाता है। उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र के महत्व को बतलाना, ठीक है। यह सभी सरकारों से अपने नागरिकों के लोकतंत्र में सक्रिय, दृढ़ और सार्थक भागीदारी के अधिकार का सम्मान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लोकतंत्र देशों में क्या होता है? हर नागरिक का एक अहम रोल होता है, तो उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र को सतत विकास और मानवाधिकारों के लिए एक बुनियादी ढांचा भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। इसका इंग्लिश में क्या नाम होता है? यूनाइटेड नेशंस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव कौन है? पुर्तगाल के हैं ये, एंटोनियो गुतरेस इनका नाम है। और टोटल सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र में कितने हैं? 193। आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किसने बास्केटबॉल का खिताब जीता है? बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने, ठीक है। किसे हराकर? अर्जेंटीना को हराकर। तो स्पेन ने ये खिताब जीता है अर्जेंटीना को, 95-75 के अंक से हराया है। और ये जो प्रतियोगिता है कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसे बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है। टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? 32 देशों ने भाग लिया था। अगला विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? 2023 में जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले स्पेन ने ये खिताब कब जीता था? 2006 में ये खिताब स्पेन ने जीता था। स्पेन आप देखिए वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर स्पेन है, देख सकते हैं इसका ये मैप है। और इसकी जो राजधानी है वो मैड्रिड है, जो मुद्रा है वो है यूरो है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कि हाल ही में किसने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीता? तो ये खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने ये खिताब जीता है, ठीक है। किसे हराकर ये खिताब जीता है? डेनमार्क के विक्टर स्वेंडेन को हराकर ये खिताब जीता है। कितने अंक से हराया है? 21-14 और 21-15 के स्कोर से हराया है इन्होंने। टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया था? बेल्जियम के ल्यूकेन में। और लक्ष्य सेन कहाँ के निवासी है? अल्मोड़ा उत्तराखंड के, ठीक है। अब बेल्जियम के बारे में देखते हैं। मैप में आप देखिए ये है बेल्जियम और इसकी जो राजधानी वो है ब्रसेल्स सिटी और मुद्रा है इसका भी यूरो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो महिला विश्व कप की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और 2017 में यही जो है फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन भी भारत में किया गया था। अब ये जो संस्करण होगा वो कौन सा संस्करण होगा? 7वां संस्करण होगा। कब किया जाएगा इसका आयोजन? 2 से 21 नवंबर 2020 को। पिछली बार इस प्रतियोगिता को किसने जीता था? स्पेन ने ये प्रतियोगिता को जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है? तो ये संस्था है क्या? यूनेस्को इसका सही जवाब है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म है हिंदी में, ने अपनी 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व भाषाओं में श्री गुरु नानक देव के लेखन के संकलन का अनुवाद और प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। अब भारत सरकार ने भी कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की है 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए। इसमें क्या क्या है? पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सुल्तानपुर लोधी के ऐतिहासिक शहर के
विकास को सपोर्ट स्मार्ट सिटी सिद्धांत पर एक विरासत शहर के रूप में चिन्हित करना, और सुल्तान लोधी रेलवे स्टेशन का उन्नयन शामिल है इसमें, और स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी करना भी इस परियोजना के तहत शामिल है। यूनेस्को के बारे में हम देखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, इसका कार्य शिक्षा प्रकृति तथा समाज विज्ञान संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश है, अमेरिका और इजराइल को छोड़कर, और 7 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है, स्पॉन्सर करता है, और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीता है। किसे हराकर? फाइनल में इन्होंने नेमेथो को हराया है। पंकज ने अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता? इस तरह 22वां खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? म्यांमार के मांडले में। और पंकज जो है स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता हैं। उन्होंने पहला बिलियर्ड्स विश्व कप कब जीता था? 2009 में जीता था। 7वां प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है कपिल देव। कपिल देव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। हरियाणा ने हाल ही में क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय, जिसको हम सोनीपत भी कहते हैं, का पहला चांसलर नियुक्त किया है। हरियाणा विधानसभा ने हाल ही में राय में हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया। इस तरह देश का तीसरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो किसी राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई है। इससे पहले गुजरात में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और चेन्नई में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है संचालित है। तो ये देश का तीसरा इस तरह का यूनिवर्सिटी हो गया हरियाणा। हम देखेंगे मैप में, ये रहा हरियाणा, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 1966 में ये राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। लोक नृत्य यहाँ का फेमस है स्वांग, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। दुग्ध डेयरी जो है अनुसंधान केंद्र करनाल में है, जो कि हरियाणा में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, ठीक है, 1000 में मात्र 889। सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला भी ये राज्य है, मात्र 834। पानीपत सोनीपत करनाल कैथल जैसे ऐतिहासिक शहर भी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल में पेप्सिको के स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गेटरोट के ब्रांड एम्बेसडर को जो है कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हिमा दास, ठीक है। बस हिमा दास का नाम याद रखिएगा। इनका जो स्पोर्ट ड्रिंक है गेटरोट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हिमा दास। तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लॉन्च की है? तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 2 तरह के दाल दिए जाएंगे। योजना के लाभ हम देखते हैं, राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 2 प्रकार की दाल सस्ती दरों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार 15 रुपये की दर से दालें उपलब्ध कराएंगी, ठीक है, सामान्य दाल, और चना दाल जो है 44 रुपये प्रति किलो की दर से जो है प्रदान की जाएगी। इसका लाभ राज्य के राशन कार्ड धारकों को ही मिल पाएगा, और कितने लोग इसमें लाभान्वित हो गए? 23.32 लाख राशन कार्ड धारक जो है इससे लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड आप मैप में देखिए, ये उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है नंदा देवी, भारत का दूसरा ये बायोस्फीयर, पहला है नीलगिरी, टाइगर रिजर्व है जिम कार्बेट और राजा जी, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर फूलों की घाटी, पर्वत है यहाँ पर नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची
जो है चोटी है, और दर्रा कौन कौन से हैं, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख जो है भारत और नेपाल के बीच यहाँ पर। अनुसंधान केंद्र है वन, पेट्रोलियम, दृष्टि विकलांग अनुसंधान केंद्र, और हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे स्थल जो है उत्तराखंड में है। आखिरी प्रश्न आज का है कि हाल में किस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली एंडूरोमन ट्रायथनल का ये जो है खिताब जीता है, रिकॉर्ड एक बनाया है। तो पहली बार कोई भारतीय इसमें जीता है, इनका नाम है मयंक वैद। ठीक है, तो लगभग 463 किलोमीटर की इस रेस को मयंक ने पिछले रिकॉर्ड से 2.06 घंटे पहले पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मयंक यह रेस जीतने वाले पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी हैं। पूरे एशिया में आज तक कोई नहीं जीता था ये रेस। ठीक है, इस रेस में दौड़, तैराकी और साइकिलिंग के जरिए लंदन से पेरिस तक की यात्रा करनी होती है। इसे जीतने के लिए मैंग ने 140 किलोमीटर दौड़ लगाया था और 33.8 किलोमीटर तक तैराकी की, और 289.7 किलोमीटर तक साइकिल इन्होंने चलाया था। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखने हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार हम देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में नागालैंड के दीमापुर तथा पेरेन जिले में अदरक की दो नई प्रजाति की खोज की है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार विश्व में सबसे बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित करने के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को यमन में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख चुना गया है। वे माइकल लोलेस गार्ड का स्थान लेंगे। जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, और नई दिल्ली में ग्रेट गंगारन 2019 का आयोजन किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पिछले क्लास का सवाल हम देखेंगे। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अरुण जेटली स्टेडियम। तो आप सभी ने सही जवाब दिया था। तो इसी तरह पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दिया करिए। आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने जन सूचना पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो कम्युनिटी टैब में मैंने ये सवाल पूछा था, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था छत्तीसगढ़, ज़्यादातर लोगों ने, जो कि गलत जवाब है। तो तीन ऑप्शन आपका बच गया, छत्तीसगढ़ गलत है। तो सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।